ओमेगा ऑडियो, रेनाउंड ब्रांड है, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। एंड अगर हम इसके स्पेसिफिकली, इसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड उनसे ज्यादा अच्छी है, उससे ज्यादा क्वालिटी भी अच्छी है, एंड लुक देखो कितना परफेक्ट आ रहा है इसका। सो व्हाट्स अप पीपल, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट डे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं कार हेवन पर एंड हमारे साथ है विम्पी भैया। तो विम्पी भैया क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ क्या हालचाल? ऑल गुड भैया। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर एंड अशोक विहार वाले एंड सराउंडिंग्स को बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज जैसे कि मैंने आपको बताया हम आए हैं कार हेवन पर आपको बहुत ही क्लासी ऑडियो सेटअप दिखाने के लिए, जो कि हुआ है हमारी इस वाली बलिनो के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं चीजें आपको और दिखाने वाला हूँ वो है इसके क्लासी सीट कवर्स एंड फ्लोर लैमिनेशन और एक नया टच स्क्रीन स्टीरियो जो कि मार्केट में आया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हर एक चीज बहुत बढ़िया रहेगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कार हेवन के बारे में जान लेते हैं। तो भैया थोड़ा बताओ कार हेवन कब से है और आप कब से काम कर रहे हो? कार हेवन हमारे को 25 इयर्स हो गए इसमें काम करते हुए। ओके, एंड यहाँ पर आप 25 इयर्स से काम कर रहे हो? 25 इयर्स हो गए हमारे। और अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो किसमें स्पेशलिटी है? हमारी ऑडियो सिस्टम्स में और कस्टमाइजेशंस में। ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज मिल जाती हैं? इसमें हमारा डिटेलिंग स्टूडियो भी है जिसमें हम सेरेमिक कोटिंग्स भी करते हैं, जो आजकल बहुत इन है। डेफिनेटली। और अपार्ट फ्रॉम दैट सीट कवर्स एक्सेसरीज सब मिल जाएगा? ऑल अंडर वन रूफ। ठीक है, ऑल अंडर वन रूफ, बिल्कुल सही चीज भैया ने बोली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले मैं इसका ऑडियो सेटअप आपको सुनाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने इस गाड़ी के अंदर क्या क्या इंस्टॉल करा है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल येट देन डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्पीडी सिंह। लाइक शेयर कॉमेंट इफ यू एंजॉय दिस वीडियो। सो अभी जो आपने सुना है वो थे सिर्फ वोकल्स, हमने बेस एक्टिव नहीं कर रखा था, जो हमारा लगा हुआ है यानी कि जो सब वूफर हमने स्टेपनी के अंदर प्लेस करा है वो एक्टिव नहीं था। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें हम जो सब वूफर हमने स्टेपनी के अंदर लगाया उसको करने वाले हैं एक्टिव एंड देखते हैं कि वो सब वूफर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। सो लेट्स गो इन 3 2 1। Good along my path for two.
राइट नाउ क्या क्या इंस्टॉलेशन करिए वो अब एक एक करके आपको दिखाता हूं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी डोर्स में जो इंस्टॉलेशन है वो है CTK की डैम्पिंग हमने करी है जो आती है सिल्वर वाली. इसमें दो तीन वेरिएंट्स और भी आते हैं तो डिपेंड करता है आपका बजट क्या. मूविंग ऑन स्पीकर्स कौन से हमने यूज करें क्योंकि स्पीकर्स की चॉइस एक सबसे डिफिकल्ट चॉइस होती है बंदे के लिए क्योंकि कईयों को पसंद होता है क्रिस्प साउंड, कईयों को पसंद होती है जिसमें थोड़ा बेस हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. बट राइट नाउ बलिनो के अंदर हमने इंस्टॉल करे हैं DD ऑडियो के स्पीकर्स यानी कि कंपोनेंट्स हमने इंस्टॉल करे हैं जिसकी प्लेसमेंट यहां पर करी गई है. एंड साथ में अगर एक बात करें तो ऊपर वाटर गार्ड प्रॉपर लगाया गया सो दैट ये कभी भी खराब ना हो यानी कि पानी वगैरह से प्रोटेक्शन रहे इन स्पीकर्स को. अगेन बात करें कंपोनेंट्स की तो यहां पर ट्विटर्स की प्लेसमेंट करी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है एंड यहां पर प्लेसमेंट सबसे ज्यादा परफेक्ट रहती है. अगर हम थोड़ा इधर आ जाएं तो यहां पर आप देख सकते हो कि DD ऑडियो का जो हमने कंपोनेंट लगाया है उसके डबल क्रॉसओवर्स यहां पर प्लेस करे गए हैं एंड सेम गोज फॉर दैट डोर ऑल्सो. वहां पर भी आप देख सकते हो कि सेम प्लेसमेंट करी गई है क्रॉसओवर्स की भी एंड स्पीकर प्लस ट्विटर्स की भी. एक चीज बोलना चाहूंगा दैट आई एम रियली इंप्रेस्ड विद इज द वायरिंग बहुत ही ज्यादा सफाई से पूरी गाड़ी के अंदर बिछाई गई है एंड आई एम हाईली इंप्रेस्ड. अगर आगे मूव करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर हमने यूज करा है DD ऑडियो का ही एम्पलीफायर C4.60 यानी कि दिस इज अ 4-चैनल एम्पलीफायर. वायरिंग की अगेन बात करूं तो देखो बिल्कुल टाई बेल्ट से बांधकर परफेक्ट वाली वायरिंग करी गई है अच्छे तरीके से सारी एंड सर्विन वेगा की ही वायर्स इसमें यूज हमने करी है. सो कमिंग ऑन टू द मेन अट्रैक्शन फॉर दिस कार इज द स्टेपनी सबवूफर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. कुछ ऐसी प्लेसमेंट के साथ आपको ये वाला सबवूफर मिलता है. मे नॉट बी दैट मच पावरफुल बट यस इतनी आपको पावर बेस दे देगा जिसमें आपको पूरी अच्छी वाली संतुष्टि हो जाएगी. अगर आप एक नॉर्मल साउंड लिसनर हो यानी कि म्यूजिक लिसनर जो आप नॉर्मल वाले हो, ये नहीं है कि भा 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 वाली आपको साउंड चाहिए. अगर आपको वैसी साउंड नहीं चाहिए एंड सूदिंग प्लस पीसफुल साउंड चाहिए सो इट्स दी टेक फ्रॉम माई साइड एंड जल्दी आई विल बी प्लानिंग टू प्लेस इट इन माई कार ऑल्सो. सो ब्रांड की बात करें अगेन इट्स मेगा ऑडियो, रेनाउंड ब्रांड है, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा. एंड अगर हम इसके स्पेसिफिकली नेम की बात करें सो इट इज अ स्पेयर व्हील वूफर या फिर स्टेपनी वूफर जो भी आप इसको बोलना चाहो. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट तो ये है जी बास कंट्रोलर जो कि मेगा ऑडियो स्पेयर व्हील वूफर के साथ आपको इन बॉक्स मिलता है. एंड इसके अंदर दो तीन सेटिंग्स भी है जैसे कि आपको नजर आ रहा है नॉब्स है यहाँ पर बास कंट्रोल की एंड अगेन यहाँ पर कुछ अलग सेटिंग्स है. सो ये भी बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है. अगर आप बंद करना चाहो सो नॉर्मली यहाँ से बंद हो सकता है एंड अगर आप यहाँ से बेस बढ़ाना चाहो सो यू आर रेडी टू गो. नाउ मूविंग ऑन टू द हार्ट ऑफ द म्यूजिक सिस्टम इज योर प्लेयर यानी कि आप कौन सा स्टीरियो यूज कर रहे हो, कौन सा हेड यूनिट यूज कर रहे हो. इस गाड़ी में हम यूज कर रहे हैं बोल्ट 1 का स्टीरियो जो कि देखने में आपको दूसरे नॉर्मल एंड्रॉयड स्टीरियोज की तरह ही लगेगा बट यस इसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है जैसे कि आप देख सकते हो एंड टच रिस्पॉन्स इज क्वाइट गुड. मेरे को जो अभी फील हो रहा है वो दैट इज परफेक्ट. अगेन अगर हम इसकी बात करें रिस्पॉन्स इसका ऑल ओके है. चीज जो और बताना चाहूंगा वो ये है कि जब अभी आप म्यूजिक आउटपुट सुन रहे थे तब जो इसकी हमने वॉल्यूम सेट करी हुई थी दैट वॉज 21 एंड 21 के हिसाब से बहुत ही अच्छा आउटपुट ये स्टीरियो आपको देता है. अगर हम मूव करें यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड यहाँ देख सकते हो प्रॉपर परफेक्ट HD क्वालिटी वीडियोस इसके अंदर चल रही है एंड अपना करण औजला भाई भी चल रहा है इसके ऊपर. अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें सो दिस इज 2GB रैम 16GB रोम एंड मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रहने वाला है. सो थम्स अप. सो जो और थोड़े बहुत हमने इसके अंदर चेंजेस करे अगर हम उसकी बात करें वन बाय वन तो फर्स्ट चीज जो रहने वाली है वो है इस गाड़ी की फ्लोरिंग. फ्लोरिंग आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है प्लस डायमंड कट या डायमंड डिजाइन में इसको करा गया है विद बेज कलर स्टिचिंग. स्टिचिंग की अगर फिनिशिंग देखोगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है. अगेन अगर हम बात करें तो इसके साथ हमें ये इनबिल्ट या इनबॉक्स मिलते हैं ग्रास मैट्स जिनको आप क्लीन कर सकते हो बहुत इजीली एंड यहाँ पर क्लिप ऑन एंड क्लिप ऑफ का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर कुछ ऐसा इसका मिल जाएगा एंड रियर सीट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है.
अगर हम सेकंड चीज की बात करें तो वो है इसकी एम्बिएंट लाइट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है देखने में। एंड अगेन इसके अंदर बहुत ही सारे ऑप्शंस है जैसे कि आप देख सकते हो। और एक दो चीजें अगर मैं बोलना चाहूंगा तो दिस लुक्स मच परफेक्ट देन दोज वी वर वॉचिंग टिल नाउ, उनसे ज्यादा अच्छी है, उससे ज्यादा क्वालिटी भी अच्छी है। एंड लुक देखो कितना परफेक्ट आ रहा है इसका। चेंज नंबर 3 इज द सीट कवर्स फॉर दिस कार। एंड सीट कवर्स का लुक कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, प्लस अच्छा डिजाइन है, नॉर्मल सा डिजाइन है, कोई ज्यादा घिचपिच वाला डिजाइन नहीं है। अगेन यहां पर हम बात करें तो कुशनिंग यहां पर भी हल्की फुल्की कुशनिंग, एंड यहां पर भी फिटिंग देखोगे तो आपको कहीं पर भी रिंकल नजर नहीं आने वाला। फ्रंट सीट्स की जो फिटिंग है वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है ताकि आपको समझ आ जाए कि फ्रंट सीट्स भी कैसे इंस्टॉल करी गई, क्योंकि राइट नाउ गाड़ी में फ्रंट सीट्स अभी हमने प्लेस नहीं करी। बट यस, फिटिंग की बात करोगे तो फिटिंग इज परफेक्ट। ये जो डीडी ऑडियो का कंपोनेंट है, डीसी सीरीज का कंपोनेंट है, 50 वॉट आरएमएस इसकी आउटपुट है एंड 150 वॉट पीक पावर है इसकी, जिसमें आप 4 क्रॉसओवर होते हैं साथ में, इसमें डबल क्रॉसओवर के साथ होते हैं, एक स्पीकर के साथ डबल क्रॉसओवर लगता है, इसमें वूफर का अलग है, ट्यूटर का अलग है। बेसिक कंपोनेंट से इसकी बेस बहुत अच्छी है, जो हमारे रेडलाइन सीरीज वाले कंपोनेंट आते हैं वो बेसिक होते हैं, ये हाई एंड कंपोनेंट्स में से आते हैं। नाउ मूव ऑन करें हम इस 4 चैनल एम्पलीफायर के ऊपर, तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? इसकी स्पेसिफिकेशन है जी, इसका मॉडल नंबर है C4.60, डीडी डिजिटल डिजाइन का एम्पलीफायर है, कॉम्पैक्ट है बहुत ही, कंफर्टेबली कहीं भी फिट हो सकता है, और इसकी आउटपुट है 90 वॉट इनटू 4। इसकी स्पेसिफिकेशंस, वेगा ऑडियो के सबवूफर बहुत ही लाउड है बाकियों से भी, और ये 400 वॉट आरएमएस का है। इसके साथ सबवूफर कंट्रोल्स भी आते हैं जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितनी आपको बेस चाहिए, प्लस इसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है जो सबवूफर को कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ मूविंग जो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एक म्यूजिक सिस्टम के अंदर, वो है वायरिंग। सर्विन वेगा की वायर हमने इंस्टॉल करी है, भैया क्या स्पेसिफिकेशंस है? प्योर कॉपर की वायरिंग है, सर्विन वेगा की, मेड इन यूएसए वायरिंग है। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है, प्लस 4 गेज की वायरिंग है। ठीक है, और इसमें लोड प्रॉपर उठा लेता है, 100% प्रॉपर आएगा, परफेक्ट रहेगी वायरिंग। नाउ लास्ट बोल्ट वन, इसका क्या रिस्पॉन्स है? इसका जो टच है बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, क्वालिटी वाइज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम के इस वीडियो को रैप अप करा जाए। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता था इस बलिनो के बारे में मैंने विम्पी भैया के साथ मिलकर आपके साथ शेयर करी है। नाउ मूविंग ऑन, सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, क्या कॉस्ट आई है इस गाड़ी के ऊपर? तो विम्पी भैया क्या कॉस्ट आई है इस गाड़ी में? अप्रॉक्स कॉस्ट जो ऑडियो सिस्टम की आई है विद डैम्पिंग मिला के 90-95,000 आई है। ठीक है, और पूरी कार की अप्रॉक्स 1,50,000 की पूरी कॉस्ट आई है, तो सारी एक्सेसरीज मिला के, ठीक है, सीट कवर एंड ऑल। तो मैंने थोड़ी बहुत एक्सेसरीज नहीं दिखाई थी, जैसे कि बाहर हमने क्रोम किट वगैरह भी इंस्टॉल भी लगाई है, हमने एचआईडीज एलईडीज भी लगाई है गाड़ी में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने नहीं दिखाई, बट जो मुझे लगा कि हाँ दिखाने लायक है, क्योंकि एचआईडी एलईडी हर जगह मिल जाती है, बट सीट कवर्स की फिटिंग, लैमिनेशन की फिटिंग एंड ऑल दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज मैंने आपको दिखाई है। बिल्कुल उनके ऊपर फोकस करें कि हाँ यहाँ पर इस शॉप पर ये काम बहुत अच्छे तरीके से करा जाता है। नाउ मूविंग ऑन, अगर आपको ऐसा ही बढ़िया काम करवाना है तो आपको आना कहाँ है? आपको आना है कार हेवन पर। एड्रेस क्या रहेगा भैया? कार हेवन, अशोक विहार, C3/12 Phase 2। ठीक है, और अपने वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग डेज क्या रहेंगे? मंडे ऑफ वर्किंग आवर्स 11-8। फोन नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 9810525770। सो ये आपको पूरी वीडियो में फ्लैश होता हुआ नजर आएगा। एंड यस, इट्स अ हाईली रिकमेंडेड शॉप फ्रॉम योर स्पीडी सिंह। अगर आप करवाना चाहते हो काम तो आओ करवाओ, बहुत बढ़िया तरीके से आपका सारा काम करा जाएगा। सो विद दिस, अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना तो ऊपर 2 सोशल मीडियाज के लिंक आ रहे हैं, आप इन पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वो रेड कलर का बटन दबाकर, एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्पीडी सिंह। सो विद दिस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ स्पीडी सिंह। ओके, सो पाजी जो तुसी अंदर काम करवाया है, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट और नॉट? हाईली सैटिस्फाइड। एंड इंस्टॉलेशन, वर्किंग और एवरीथिंग लाइक? या, सो आई कम हियर, आई हैव बीन अ कस्टमर हियर फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स। ओके, सो द ओनली रीजन आई कम हियर इज बिकॉज़ यहां की सर्विस इज अटमोस्ट, सो आई लिव नियर बाय, बट यहां पे इतनी मार्केट में भी आई एंजॉय कमिंग हियर एंड आई एम रियली सैटिस्फाइड। आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू कम हियर फर्स्ट, आओ फील लो, नहीं पसंद आता यू वुड नॉट गो बैक, पसंद आएगा ही आएगा, आई गारंटी। बाकी म्यूजिक सिस्टम ओके, रिपोर्ट मस्त।
फिरता।